झारखंड से जामा विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। उन्होंने न सिर्फ पार्टी का महासचिव पद छोड़ा बल्कि विधानसभा की सदस्यता भी त्याग दी है और इसी के साथ दोपहर में दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है और इसी दौरान उनके साथ संजय मयूख समेत अन्य नेता शामिल थे। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से झामुमो से नाराज चल रही थी और हालिया चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह नहीं मिली थी, जिसका उन्होंने मुखर होकर विरोध भी जताया था। लेकिन अब झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में आखिरकार शामिल हो ही गई हैं और इसी बीच सीता सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो आइए देखते हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन ने क्या कुछ कहा है। विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है और सभी टीम जेपी नड्डा जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, देवेंद्र फर्नांडिस जी दिन रात सभी मिलकर के लगे हुए हैं कि हमारे इंडिया का विकास कैसे हो। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग आज चुनाव के दिनों में पहुंचे हैं और पूरा इंडिया से हमें सूचना मिल रही है कि लोग जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जुड़ रहे हैं और मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही। मेरे ससुर जी शिबू सोरेन जी, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी, उनके अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना और उनका सपना था कि झारखंड को किस तरह से विकसित राज्य बनाया जाए। कई मेहनत किए मेरे स्वर्गीय पति ने, संगठन बनाए, जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी रह गई। इस बीच में, क्योंकि जब मेरे स्वर्गीय पति जिंदा थे, उनका कहना भी था कि मैं राजनीति में आऊं, एमएलए बनूं और झारखंड का नेतृत्व करूं, लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया और उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायक रही। लेकिन कहीं ना कहीं इतने साल गुजारने के बाद भी कि जिस मुकाम तक हमें पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि 24 साल झारखंड अलग राज्य बन के हुआ और अलग राज्य की लड़ाई में कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, वहां के जल जंगल की जमीन की रक्षा करने के लिए। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का विकास कैसे हो, लेकिन आज तक उपेक्षित ही रहा। वहां कई खनिज पदार्थ है, देश का 40% खनिज वहां मिलता है और इसके बावजूद भी लोग वहां पर भटक रहे हैं,
नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं बाहर। तो इन सब चीज अभी वहां के पब्लिक चाहते हैं कि बदलाव कैसे हो, और मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि इतनी मेरे पति का योगदान रहा झारखंड अलग राज्य को बनाने में, और आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है, तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है, झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई, और मोदी जी का जो सोच है वो सोच झारखंड में भी आप पूरी तरह से सब मिल करके हम लोग काम करेंगे, और जो भी सोच रहा मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का, वो सपना अब जल्द ही जल्द पूरा होगा, हमको इस तरह का उम्मीद है। तो मैं आज बहुत खुशी और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि एक बहुत बड़ी मकसद और बहुत बड़ी लड़ाई के लिए और जीत का भरोसा जरूर है, क्योंकि जब हम मोदी जी के परिवार में शामिल हुए हैं तो हमारी मकसद जो है झारखंड को बचाने का, झारखंड को झुकाएंगे नहीं, झारखंड को बचाएंगे, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और आने वाले दिनों में हमारी जीत, हमारी जो लोकसभा की 14 सीट है, सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा, ये मैं आप सबों से वादा करती हूँ। सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस के प्रवक्ता शांतनु मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो आइए देख लेते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता शांतनु मिश्रा का क्या कुछ कहना है। सीता सोरेन जी का भाजपा में जाना ये एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा का निर्णय है, और मेरा मानना है कि जिस तरह से उन पर उनकी सदस्यता को लेकर एक तलवार लटकी हुई थी, न्यायालय में मामला चल रहा है, और उनको लग रहा होगा कि वो भाजपा में जाकर इस पर कोई राहत मिल सकती है फौरी तौर पर, और कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और इन सबों का भय विपक्ष के नेताओं पर लगातार इस देश में बना हुआ है। आप देखे होंगे कभी भी हमारे हजारीबाग में विधायक के यहाँ छापा पड़ना, और कई ऐसे जगहों पर जहाँ विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको डराने का, धमकाने का बीजेपी प्रयास कर रही है, बस ये इसी का नतीजा है। और एक लंबे समय से सीता सोरेन जी को प्रयास किया जा रहा था, और इसी का नतीजा है कि वो आज भाजपा में गई है। तो अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।